घर पहुंचते ही हमें आ गया हीरो की तरफ से इनवाइट, उनका एक लॉन्च इवेंट होने जा रहा है आज। बाइक दोनों खड़ी हुई हैं। कासगंज हीरो पे आपके भाई का फ्लेक्स बोर्ड लगा हुआ है। अभी हटा दिया पर्दा भाई, अब हम अपने शहर में यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पहुंच चुके हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। काफी टाइम बाद ब्लॉग की स्टार्टिंग घर से हो रही है। 5 तारीख को मैं निकला था और वापसी हुई अपनी 20 तारीख को। मैंने सोचा था 8 से 10 दिन मैक्स टू मैक्स 12 दिन की ट्रिप हो जाएगी, लेकिन ट्रिप थोड़ा सा लंबा खिंच गई क्योंकि हम लोग फिर वहां से मथुरा निकल गए थे होली खेलने के लिए। टाइम बचा नहीं था तो मस्त अपनी होली होली खेल के घर लौटे हैं। तो अभी 2 दिन से चल रहा है अपना मस्त आराम विद एडिटिंग। एडिटिंग को होल्ड पे नहीं डाल सकते, एडिटिंग अपनी काफी बची हुई थी। स्पीति के ब्लॉग्स बचे हुए थे, रील्स बचे हुए थे, उसके बाद फिर हमारा होली का ट्रिप हो गया तो वहाँ के भी ब्लॉग्स वगैरह। और मथुरा में मतलब नंदगांव बरसाने में एडिटिंग हो नहीं पाई, पूरा दिन इतना थकान हो जाती है, फिर रात को कहाँ एडिट करने का मन करता है, पूरा कलर में हो गए थे। तो अभी घर पे आके एडिटिंग चल रही है, ब्लॉग्स थोड़ा सा लेट देखने मिल रहे होंगे आपको। तो अभी मैंने यहाँ पे आके कुछ ब्लॉग वगैरह शूट किया भी नहीं था क्योंकि पहले से इतनी एडिटिंग जो है पेंडिंग थी। लेकिन घर पहुंचते ही हमें आ गया हीरो की तरफ से इनवाइट, उनका एक लॉन्च इवेंट होने जा रहा है आज। तो आपके भाई के लिए स्पेशल इनवाइट आया है। हीरो की एक बाइक लॉन्च हुई है, एक्सट्रीम 125। बाइक तो पहले लॉन्च हो चुकी है लेकिन जो कासगंज की डीलरशिप है उस पर आज इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। तो सारे बाइकर्स को मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि रेडी होके मेरे घर पहुंचना है आज 12 बजे। हम लोगों को 12:30 वहां पहुंचना है। तो अभी मैं भी नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और अभी मस्त अपनी मैगी आ चुकी है। तो भाई बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस रहा 100cc से। और अगर आप लोगों ने ट्रिप नहीं देखी हमारी कासगंज टू विंटर स्पीति तो भाई क्या कर रहे हो यार, इतनी मेहनत करी है उस ट्रिप में हम लोगों ने, मैंने और मोहित भाई ने। भाई 100cc को हमें ही पता है हमने कैसे पहुंचाया। मोहित भाई की बाइक 2009 मॉडल थी, उसको स्पीति वैली लेके गए। तो जो भाई भी इस चेहरे को पहली बार देख रहे हैं तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कासगंज टू विंटर स्पीति हम करके आए 100cc से, तो जाओ जाके देखो, आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा मजा आएगा। बहुत ही एडवेंचरस ब्लॉग्स हैं। अभी सारे लोग जैसे आते हैं वैसे हम लोग निकलते हैं। तो भाई सारे भाई लोग अपने आ चुके हैं और हम निकल चुके हैं हीरो कासगंज। पास में ही है भाई, बस बहुत छोटी सी राइड करके पहुंच जाएंगे। ये देखो भाई RR, बहुत टाइम बाद ये आवाज सुनने को मिल रही है, तुम्हारे में नहीं है। भाई अपनी जो लास्ट ट्रिप थी वो आपको पता हीरो स्प्लेंडर से थी। तो उस ट्रिप को कंप्लीट करने के बाद हीरो की तरफ से एक इनवाइट तो हमें मिला ही उनके लॉन्च इवेंट में। उसके अलावा एक सरप्राइज और मिला है हमें यहाँ पे आने के बाद, जिसे देख के कि भाई बहुत खुशी हुई। तो अभी आपको भी दिखाते हैं। ये देखो भाई, आपका भाई आ चुका है सीधे फ्लेक्स बोर्ड पे। कासगंज हीरो ने कॉन्ग्रेचुलेट्स करते हुए एक फ्लेक्स बोर्ड लगाया हुआ है। कासगंज हीरो कॉन्ग्रेचुलेट्स डेविल डीड ऑन कंप्लीट ऑफ द ट्रिप टू स्पीति वैली विद हीरो स्प्लेंडर। तो भाई अब हम अपने शहर में यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पहुँच चुके हैं। कासगंज हीरो पे आपके भाई का फ्लेक्स बोर्ड लगा हुआ है। फ्लेक्स पे ये भी लिखा हुआ है, इंडियाज फर्स्ट 100cc बाइक टू रीच चीचम ब्रिज, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है। हम इसको लेके गए थे -25°C में, तो वो भी सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। अभी कासगंज हीरो पे फ्लेक्स बोर्ड लगा है, धीरे धीरे करके शहर में भी बढ़ेंगे, शहर में भी फ्लेक्स लगेंगे। तो बस भाई आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, साथ साथ मिलके बढ़ेंगे, मिलके शहर का नाम करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके स्टेप स्टेप करके आगे बढ़ रहे हैं आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से। प्यार बनाए रखो, आज यहाँ लगा है कहीं किसी दिन शहर में लगेगा। तो भाई बस मजा आ गया बस ये देख के हीरो की। पहले तो हमें खुशी हुई कि यार हीरो ने हमें इनवाइट किया उनके लॉन्च इवेंट में, उसके बाद फिर फ्लेक्स बोर्ड देखा तो फिर और मजा आ गया। हम लोग इस लाइक समझे, ऐसा लग रहा है कि जो कुछ कर रहे हैं ना थोड़ा तो कुछ अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा कर रहे हैं लोग, और लोग अच्छा लग रहा है, लोग अच्छा लग रहा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है और कुछ नहीं है। और ये सब मिलता है भाई आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से। अंदर हमारा वेट हो रहा है कि हम कब अंदर आए और उनकी अनलॉन्चिंग लॉन्चिंग हो बाइक की, अनलॉन्चिंग बोल रहा हूँ, लॉन्चिंग हो बाइक की। तो चलते हैं, तो अभी चलते हैं मेन काम के लिए, इसके लिए हम लोग आए हुए हैं हीरो एक्सट्रीम 125, जिसका कि लॉन्च इवेंट आज होने जा रहा है। लॉन्च इवेंट हीरो एक्सट्रीम 125 आर आर निखिल भाई देखो मस्त आर, इनकी डबल आर है, इनकी डबल आर देखो उधर खड़ी हुई है। बाइक्स दोनों खड़ी हुई हैं, बाइक दोनों सेम है, कलर डिफरेंट है,
अभी देखो केक भी आ चुका है, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, उसके बाद दोनों के पर्दे हटेंगे, आपको फाइनल लुक दिखाएंगे, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो सारा कुछ बाहर चल के डिफाइन करेंगे। गाइस इंतजार खत्म होने जा रहा है, अभी हीरो एक्सट्रीम 125 का पर्दा हटने वाला है और जो लुक्स है ना खुश हो जाएगा दिल आपको 125 सीसी की बाइक देख के। अभी तक इस सेगमेंट में ना कोई भी 125 सीसी की बाइक की ये जो लुक्स है मार्केट में अभी आई है। अभी हटाते हैं पर्दा। सो भाई ये है कुछ फाइनल लुक ब्लू कलर में, अभी इसका कलर देखते हैं ये कौन से कलर की बाइक है। ये वाला कलर ब्लैक, ये देखो ये ब्रांड न्यू ब्लैक कलर, कौन सी बढ़िया लग रही है। ब्लैक ब्लैक बढ़िया लग रही है। इसके तीन कलर लॉन्च हुए ना, ब्लू ब्लैक और रेड। तो भाई इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको भाई से। तो भाई है यहाँ के ओनर और बाइक्स तो आपने दो देख रखी हैं, बाकी और जो बाइक है वो हर दिखाएंगे। 160 का भी नया वेरिएंट आया है विद न्यू कलर, वो भी है हमारे पास गोल्डन शॉपर्स में, वो भी अवेलेबल है, वो आपको भी आप ही दिखा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी केक कट करते हैं। तो भाई हीरो एक्सट्रीम 125 आने की खुशी में भाई को केक। तो भाई केक कट चुका है, पर्दा हट चुका है, अब आपको सुनाते हैं बाइक की साउंड, कि बाइक की साउंड कैसी है। लुक्स तो देखो नो डाउट बहुत अच्छी है। मुझे भाई ब्लैक ज्यादा अच्छा लगा, इसमें थोड़ा सा सिल्वर एलिमेंट ज्यादा है ना, ब्लैक ब्लैक बढ़िया लगा। रेड अभी तक मैंने देखा भी नहीं है, पहली बाइक देखी इसमें ब्लैक के अंदर सिल्वर नहीं आ रहा, वैसे ब्लैक के अंदर सिल्वर आता है। भाई देखो बाइक हो चुकी है स्टार्ट, विवेक भाई ने स्टार्ट कर दी है। हल्का सा एक्सीलरेट करना भैया, भाई इसके अंदर देखो डिजाइनर किक दे रखी है। जैसा पता चला है इसके अंदर भाई स्प्रिंट ईबीटी इंजन दिया गया, इसके बारे में भी पूछेंगे कि क्या इसकी डिटेल्स वगैरह जो भी है, और इसमें एबीएस भी मिलता है 125 सीसी में, किसी में नहीं मिलता अभी तक जो भी 125 सीसी की सेगमेंट है। आईबीएस और एबीएस दो सिस्टम में है ये, आईबीएस ये समय मेरे पास में एबीएस है, आईबीएस की कॉस्टिंग थोड़ी सी कम है इससे, लगभग 4-5 हज़ार से कम है, और ये सेगमेंट में सबसे बढ़िया गाड़ी है और इसको सबसे बहुत ज्यादा मतलब लोगों को प्यार मिल रहा है। लुक्स अच्छे है ना, हाँ लुक अच्छा है, मतलब 125 सेगमेंट में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी ने बना के दिया है इस समय। इस बाइक की जो मेन हाईलाइट है ना वो इसकी हेडलाइट, ये देखो Z900 की तरह थोड़ी थोड़ी, पूरी तो नहीं कहूंगा क्योंकि फर्क बहुत ज्यादा है, ये सिंगल सिलेंडर 125 सीसी वो 900 सीसी, लेकिन इसकी जो हेडलाइट है ना वो थोड़ा सा दे रही है डिफरेंट लुक, और इसके इंडिकेटर्स भी देखो भाई LED दिए हुए हैं। हेडलाइट भाई बढ़िया लग रही है, Z900 सस्ती, दूर से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा आदमी। हजार भी है। निखिल भाई देखो मन मनाने लगे लेने का, नहीं नहीं वो बेच रही है अपनी RR 310 बेच के निकल भाई लेंगे 125 सीसी। हमें बातचीत तो काफी हो गई, अभी खा लेते हैं केक, मुंह मीठा करते हैं भाई अनबॉक्सिंग के बाद और केक कटिंग के बाद। खत्म हो चुका है इधर तो देखो मामला, अभी चालू हो रहा है भाई, हम दोनों काफी लेट है, बाकी और लोगों का देखो निखिल भाई देखो लगे पड़े हैं। तो वही हम भी खत्म करते हैं, उसके बाद नीचे चलते हैं और एक टेस्ट राइड भी लेंगे टेस्ट राइड, देखते हैं कि इससे जल्दी बाइक। तो वही अभी सारी बाइक्स जो है वो रेडी हो रही है, ये देखो बाइक्स लगी हुई हैं, बाकी अभी दो बाइक और आ रही है। मैंने भैया को पहले बोला था कि हम लोग 10 लोग हो जाएंगे तो 10 बाइक्स रेडी कराई थी, लेकिन फिर दो लोग और एक्स्ट्रा हो गए तो अभी 12 लोग हो चुके हैं। उधर देखो खड़ी हुई XMR, इधर एक्सट्रीम 125, अभी बाहर मत निकालना है इसको, यहाँ पे फोटो कराएंगे। इधर एक्सट्रीम 160 खड़ी हुई है और ये इसका नया कलर आया है, ये देखो। और भाई पर्सनली मुझे 160 से ज़्यादा 125 की लुक्स ज़्यादा बढ़िया लगी। और उधर ना एक्सपल्स भी खड़ी हुई है, ये देखो एक्सपल्स। ओ माय गॉड। सो भाई रेडी हो चुकी है एक्सट्रीम 125R राइड के लिए, मेरे पास है ब्लू कलर, वेनम राइडर के पास भी ब्लू कलर है, अभिषेक भाई के पास ब्लैक कलर है, हीरो की सारे सेगमेंट की बाइक्स है। ये देखो भाई एक्सपल्स 200, विवेक भाई ने एक्सपल्स उठा ली है। भाई अपना थोड़ा सा बाइक को भगा के देखते हैं, भाई बहुत सही पावर है यार 125 सीसी के अकॉर्डिंग, मजा आ रहा है। भाई जो राइडिंग पोस्चर है ना वो भी यार मस्त है एकदम, टूरिंग के हिसाब से 125 सीसी है तो बहुत ज्यादा लोग इसे टूरिंग में तो यूज नहीं करने वाले, लेकिन
फिर भी भाई अगर आप इसे टूरिंग करना चाहते हो तो जो राइडिंग पॉस्चर है ना इसका बहुत अच्छा है। अब तक मुझे सबसे अच्छा जो राइडिंग पॉस्चर लगता है वो एफजी का लगता है, डोमिनार का भी इतना अच्छा नहीं लगता। ऑल्दो डोमिनार 400 टूरिंग बाइक है लेकिन उससे अच्छा एफजी का राइडिंग पॉस्चर है, लेकिन लगभग ऑलमोस्ट एफजी जैसा ही इसका राइडिंग पॉस्चर है। ये देखो भाई ऐसी कुछ लुक्स है पीछे से एक्सट्रीम 125 आर की। हाँ भाई भाई मेरे को ब्रेकिंग बहुत बढ़िया लगी, ब्रेकिंग अच्छी है। तो भाई होने जा रही है ड्रैग एक्सट्रीम 125 आर वर्सेस एक्सट्रीम 125 आर। ठीक है थ्री ऑन पे करते हैं। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। लो भाई जीत गए। ओहो भाई ये क्या देख रहा हूँ मैं, गियर इंडिकेशन भी है, टाइम भी है, सारा कुछ है भाई। भाई अब जो बाइक ब्रांड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, मतलब पहले की जो 100 सीसी बाइक थी या 125 सीसी बाइक थी उनमें इतना फीचर्स नहीं दिए जाते थे कि भाई बाइक बना दी बस रॉ पावर है आप चलाओ, लेकिन अब जो ब्रांड्स हैं वो काफ़ी तक काम कर रही, कॉम्पिटिटर्स भी अब काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी तक का जो मार्केट है वो कवर किया हुआ था रेडर 125 में, लेकिन डेफिनेटली रेडर को ये बीट करने वाली है। इसकी लुक्स बहुत ज़्यादा ही तगड़ी है रेडर से, पल्सर 125 से भी। अभी लिया हुआ एक छोटा सा ब्रेक राइड के बाद ऑलमोस्ट 5 से 6 किलोमीटर बाइक मैंने चलाई होगी, तो बात करते हैं कि बाइक है कैसी, बाइक में क्या क्या अच्छाइयां हैं क्या क्या बुराइयां हैं, और बाकी लोगों से भी पूछते हैं जिन्होंने एक्सट्रीम 125 आर चलाई उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और उनको बाइक कैसी लगी। सबसे पहले पूछते हैं शिवम भाई से, इनके पास भी एक्सट्रीम 125 आर है, हालांकि इन्होंने खरीदी हुई नहीं है हाल फिलहाल तुम्हारी। तो कैसी लगी बाइक, पोस्चर से लेके ब्रेकिंग से लेके और पिकअप इनिशियल तगड़ा टॉप एंड तो मैंने भगाया। 125 सीसी सेगमेंट में अभी भी किसी भी बाइक में एबीएस नहीं आता है, तो हीरो ने अच्छा काम किया है कि 125 सीसी में अभी एबीएस दे रहा है, मेन चीज है ब्रेकिंग। भाई 80-90 तक जाके मैंने ब्रेक लगाए थे, ये नहीं कि बाइक टेढ़ी मेढ़ी जा रही हो, स्किड कर रही हो, नॉर्मल आराम से रुक रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक्सट्रीम 125 आर 0 to 60 जाती है 5.9 सेकंड्स में। अभी हम लोग डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे इसका कि क्या पावर फिगर्स हैं क्या क्या फीचर्स में मिले। मैंने आपको एक रॉ आइडिया दे दिया कि 0 to 60 तक आप इसको 6 सेकंड में भगा सकते हैं। दूसरी एक्सट्रीम चला रहे थे अपने पीयूष भाई, कैसी लगी बाइक? बाइक यार इस प्राइस रेंज में मेरे हिसाब से 125 सीसी में ये बाइक सबसे बेस्ट है, और अगर स्पोर्टी लुक चाहिए यू कैन एब्सोल्युटली गो फॉर इट। अभी मैं आ चुका हूँ XMR पे, एक्सट्रीम की टेस्ट राइड तो ले ली, अब XMR की टेस्ट राइड लेते हैं। अभी तक मैंने XMR चलाई तो छोड़ो देखी भी नहीं है, कासगंज में अभी है ही नहीं किसी के पास XMR, और ये फर्स्ट टाइम ही आई है डीलरशिप पे भी। इसका यार येलो कलर बहुत प्यारा लगता है मुझे, अलग ही हाईलाइट होता है। राइडिंग पोस्टर ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, R15 V3 की तरह नहीं है, क्या बोलते हो गाइस XMR और R15 V3 या V4 की ड्रैग रेस हो जाए? कमेंट करके बताना अगर आप लोगों को V3 और XMR की ड्रैग रेस चाहिए होगी, तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इन दोनों का, मेरा काफ़ी मन है XMR की ड्रैग देखने के लिए। देखते हैं कौन सी विनर रहती है अपनी R15 या XMR। एक्सीलेंट पावर। अरे भाई इसका मीटर भी चल रहा है यार, ये तो मैंने देखा ही नहीं क्योंकि एक्सट्रीम 125 आर का नहीं चल रहा था, अभी 114 टच करके आया अभी। तो भाई छोटी सी राइड थी कंप्लीट हो चुकी है, और जो भी कासगंज या कासगंज के आसपास से वीडियो देख रहा है एक्सट्रीम 125 आर लेने का प्लान बना रहे हो तो टेस्ट राइड के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो, टेस्ट राइड मस्त आपको मिल जाएगी, टेस्ट राइड भी मिलेगी आपको। और जो भी अगर कोई भाई डेविल डीप का या फिर शिवम भाई का हमारे नाम लेके अगर आता है तो उसको जो भी बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट होगा, जो भी चीज़ हो सकती है जो जनरल कस्टमर से हम अलग कर सकते हैं उसके लिए, वो भी मैं उसको प्रोवाइड करूँगा। तो भाई आओ पहले टेस्ट राइड लो, लेने का मूड बनाओ। आप मेरा नाम लोगे या अपने वैनम भाई का नाम लोगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा, डिस्काउंट आप लेंगे डिस्काउंट मिल जाएगा, वरना एक गिफ्ट मिलेगा भैया की तरफ से। XMR भी खड़ी हुई है, XMR की टेस्ट राइड लेना चाहते हो XMR भी खड़ी हुई है ब्लैक और येलो कलर में, रेड भी है। राइड तो बढ़िया हो गई, बाइक भी एक नंबर, और राइड के बाद देखो गिफ्ट भी मिल गया आपको, बाइक दिखा दी टेस्ट राइड भी ले ली। अब मेन बात पे आते हैं कि बाइक की जो प्राइस है
कितने पैसे में आपको मिलती है? ये इसमें दो वेरिएंट है हमारे पास, एबीएस और आईबीएस। जो एबीएस का प्राइस है वो आपको लगेगा 1,23,000 ऑन रोड, और जो आईबीएस है वो रहेगा 1,18,000 ऑन रोड। ये एबीएस मॉडल है, ये 1,23,000। ये जो मोटरसाइकिल आपको दिख रही है 1,30,000 रुपए में आपकी हो जाएगी एबीएस वाला। अगर आपको आईबीएस चाहिए 1,18,000। सो भाई अब निकल रहे हैं यहाँ से घर। टेस्ट राइड अगर आपको लेनी हो तो हीरो आ जाना, और डिस्काउंट चाहिए हो तो भाई का नाम ले देना, तगड़ा वाला डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अभी चलाते हैं अपनी डोमी को, भाई बहुत दिन से खड़ी हुई है घर पे।